दिक्कत कहाँ आ जाती है सर? क्या कॉलेजियम में नाम आने में आगे दिक्कत आती है, या आगे राज्य सरकारों में दिक्कत आती है, या केंद्र सरकार? लेस नंबर ऑफ कोर्ट्स है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। एक बड़ा रीजन है गवर्नमेंट की लिटिगेशन पॉलिसी। लेकिन जहां बोलना बहुत जरूरी है वहां चुप रहना कतई उचित नहीं है, और वो अल्टीमेटली हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। दिक्कत आती है सर कहाँ? आप हमें बढ़िया तरीके से बता सकते हैं कि दिक्कत कहाँ आती है सर? बहुत बहुत स्वागत है ऑनरेबल जस्टिस गोविंद माथुर साहब आपका। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि न्याय मिलने में देरी क्यों होती है, मैंने भी अभी बहुत काफी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आदमी मर जाता है लेकिन मुकदमा नहीं मरता, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसा क्या है इस इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कि जो अभी तक न्याय दिलाने में इतना समय गवा देता है और आम आदमी को न्याय मिलने में इतनी देरी होती है कि आजकल आदमी कोर्ट जाने से डरने लगा है। उसे ऐसा लगता है कोर्ट जाएंगे, वकील फीस लेंगे, पता नहीं वहां क्या होगा, जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा। आपका क्या व्यू है इस पर सर? हैंड ओवर टू यू सर। जहां तक न्याय मिलने में देरी का सवाल है, और इसमें मेरा ये मानना है कि ये हमारे सिस्टम में नहीं, हमारे प्रोसीजर के अंदर ज्यादा परेशानियां हैं, और इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप कुछ कारण तो ऐसे हैं जो कि बहुत साफ तौर पे हमें दिखाई देते हैं। एक ये है कि हमारा जो लेस नंबर ऑफ जजेस है, लेस नंबर ऑफ कोर्ट्स है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। जो कुछ कोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है वो भी पूरी भरी नहीं जाती। अभी परसों ही पार्लियामेंट में लॉ मिनिस्टर ने ये अपना वक्तव्य दिया कि हमारे पास अभी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, यानी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 453 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब डे टू डे ये वैकेंसीज बढ़ती जा रही है, तो आप हाई कोर्ट में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर बड़ी तादाद में पेंडेंसी बढ़ रही है। जहां तक सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का सवाल है, तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर भी आज की तारीख में हजारों की तादाद में वैकेंसीज खाली। ये अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं, इसमें इसकी डिले की वजह है कोर्ट्स भी है, हमारा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और गवर्नमेंट भी है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा एक जो हमारा कारण है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ना होना। कोर्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो शायद जुडिशरी हमारी गवर्नमेंट के लिए शुरू से एक लीस्ट प्रायोरिटी सेक्टर रहा है। इसके ऊपर हो सकता है कि कुछ सिवाय कंप्यूटराइजेशन के लिए पैसा मिला, लेकिन कंप्यूटराइजेशन को भी इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। स्टाफ का जहां तक सवाल है, आप पाएंगे कि जितनी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, ना तो पूरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ अवेलेबल है, ना असिस्टिंग स्टाफ, क्योंकि बहुत जरूरी है कि स्टेनो, जो एक जजमेंट 15 मिनट में लिखाया जा सकता है, नॉर्मली जजेस खुद हाथ से या अपने लैपटॉप्स पर, डेस्कटॉप पर जो लिख रहे हैं वो 1 घंटा कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का जो यूज है, हम टेक्नोलॉजी का पूरा एडिक्वेट यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में किया जाना बहुत जरूरी है। वर्चुअल हियरिंग हम कर रहे हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कि हमारी फाइल्स का मूवमेंट ढंग से हो, केस फ्लो ढंग से हो, हमारे स्टाफ की सारी इश्यूज इजीली टैकल हो सके, वो नहीं हो रहे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो है इनएफेक्टिव असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट। और जब मैं ये गवर्नमेंट का कह रहा हूं, तो आप देखिए कि हमारा आज की तारीख में गवर्नमेंट सबसे बड़ी लिटिगेंट है, और जी सर, गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट इतनी बड़ी लिटिगेंट है, उसके बाद में गवर्नमेंट की असिस्टेंस, वो मैं केवल काउंसिल्स की नहीं कह रहा, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा जो रिप्लाई फाइल करने होते हैं, उनको जो रेस्पॉन्स देना होता है कोर्ट को, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। गवर्नमेंट काउंसिल्स भी बहुत इफेक्टिव नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही इफेक्टिव नहीं है, लेकिन एक बड़ी तादाद केवल अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस के कारण गवर्नमेंट काउंसिल्स अपॉइंट होते हैं, बहुत सारे लोग अपॉइंट होते हैं, और वो अपने ऑफिशियल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। आपने देखा होगा कि वो लोग कई बार ट्रू फैक्ट्स की जगह जो ऑफिसर्स कहते हैं उस पर रिलाई करते हैं, और कोर्ट को इससे बड़ी दिक्कत होती है। एक बहुत बड़ा रीजन जो है, शायद थोड़ा सा अजीब सा लगे, वो हमारा, हम लोगों का इनएफिशियंट होना भी है, यानी जजेस का इनएफिशियंट होना भी है, चाहे वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के हों, क्योंकि मुझे, या चाहे हायर कोर्ट्स में भी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अनकंट्रोल्ड हियरिंग कैंसरस हो गई है। आपको एक लिमिटेड एक्सटेंट तक सुन करके एज सून एज पॉसिबल किसी डिसीजन पे पहुंचना होगा। जजमेंट्स रिजर्व बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं करने होंगे।
हमें ये बात समझनी होगी कि जब जजमेंट रिजर्व किया तो जितना जल्दी हो सके उसका जजमेंट प्रोनाउंस हो, बगैर जजमेंट प्रोनाउंस हुए केस वापस रिलीज ना हो और अननेसेसरी एजेंट ना हो। ये हमारे कुछ रीजन है। इसके अलावा स्ट्राइक्स लॉयर्स की, वो भी एक रीजन है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा देरी होती है, लेकिन यस वो भी एक बड़ा रीजन है। एक बड़ा रीजन है गवर्नमेंट की लिटिगेशन पॉलिसी। आप पाएंगे कि पिछले 20-25 सालों के अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है कि हर चीज को कोर्ट से फाइनल करा लो, अपने लेवल पे कोई डिसीजन ना लो, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्यूटाइल लिटिगेशन गवर्नमेंट का है। हम एक प्राइवेट लिटिगेंट को तो इसके लिए चेक नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट को यह समझना चाहिए कि एक फ्रिवलस अपील, एक फ्रिवलस रिट पिटीशन, एक फ्रिवलस प्रोसीडिंग कोर्ट का बहुत टाइम कंज्यूम करती है। और कई बार मैंने देखा है कि कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट एडवोकेट अपनी अपील के अंदर सिर्फ यही कहते हैं कि बस अब आपका डायरेक्ट, आप जो चाहे वो कर दें, हम तो बस फाइनलाइज कराना चाहते हैं। उनको खुद को पता है कि इसका फेट कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं मिलना है, लेकिन एक पिटीशन फाइल जरूर होती है, चाहे अपील के नेचर में हो चाहे रिट पिटीशन के नेचर में हो। तो एक लिटिगेशन पॉलिसी गवर्नमेंट को तय करना होगा कि मिनिमम अप्रोच करें वो कोर्ट्स को, और जिनमें बहुत जरूरी हो उन्हीं केसेस में जाए। एक हमारा और भी रीजन है जो कि जुड़ा हुआ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये वो है कि केसेस का सर्विस के अंदर बहुत टाइम खाना, जो कोर्ट समन्स कर इशू करती है, नोटिसेस इशू करती है, उनके नोटिस सर्व नहीं हो पाते हैं। इसके लिए हमें एक पूरा मैकेनिज्म तैयार करना होगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में मैकेनिज्म है, उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होगा। जी सर, जैसा आपने बोला कि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन जो आता है वो है कि ऑनरेबल जजेस की काफी कमी है इस देश में। और सर जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम फाइल्स लिस्ट नहीं हो पाती बिकॉज जजेस ही नहीं है इतने, तो वो लिस्ट कहाँ होंगे मैटर। सर आप ऑनरेबल यूपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, आप भी कॉलेजियम के हिस्सा रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ जाती है सर? क्या कॉलेजियम में नाम आने में आगे दिक्कत आती है, या आगे राज्य सरकारों में दिक्कत आती है, या केंद्र सरकार? और जब मैं सर केंद्र सरकार कहूं, और स्पेशली जब राइट विंग गवर्नमेंट है और माइनॉरिटी जजेस हैं, तो कुछ दिक्कत आती है सर? कहां आप हमें बढ़िया तरीके से बता सकते हैं कि दिक्कत कहां आती है सर? मैं सबसे पहले आपकी सबसे आखिरी वाली बात का जवाब देना चाहूंगा कि राइट विंग गवर्नमेंट है और माइनॉरिटीज के अपॉइंटमेंट में दिक्कत आती है क्या? देखिए, हमारे अपॉइंटमेंट सारे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अकॉर्डिंगली होते हैं, और इसमें चाहे राइट विंग गवर्नमेंट हो, चाहे लेफ्ट विंग गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रलिस्ट गवर्नमेंट हो, अपॉइंटमेंट एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड बाय ए जज मेड लॉ कॉलेजियम सिस्टम, उसी से अपॉइंटमेंट होने हैं। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि राइट विंग गवर्नमेंट होने से कोई माइनॉरिटीज के अपॉइंटमेंट में या किसी के भी अपॉइंटमेंट में उसके सोच के आधार पर ज्यादा दिक्कत आती है। ये मेरे को लगता है कि नहीं है कि इतना बड़ा इशू है। अगर विल होगी तो अपॉइंटमेंट पूरी तरह से खुद होंगे और होते आ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि हम सिस्टमेटिकली बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स के लिए कोई हमारे पास बहुत सही पॉलिसी हमारे पास नहीं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ 160 की स्ट्रेंथ है। अवेलेबल नंबर ऑफ जजेस इज अबाउट 100, लिटिल लेस देन 100। हाईकोर्ट की स्ट्रेंथ 50 जजेस की है, मेरी जानकारी से ओनली 23 जजेस अवेलेबल है। जी सर, रिकमेंडेशंस दोनों हाईकोर्ट्स की रिकमेंडेशंस जहां तक मेरी जानकारी है मई 2020 से पेंडिंग है। गवर्नमेंट की ओर से भी ये सारे के सारे वहां पे किस स्टेज पे पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, गवर्नमेंट में पेंडिंग है, वी डोंट नो। लेकिन पोजीशन ये है कि आज इतने लंबे टाइम तक, एक साल से ऊपर समय होने के बावजूद, अगर हाईकोर्ट की रिकमेंडेशंस, अगर उन्होंने कोई भी फाइनल शेप एक्वायर नहीं किया गया है, तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे जो एमओपी है अपॉइंटमेंट का, मोड ऑफ प्रोसीजर है, उस सारे के अंदर भी टाइम फ्रेम दिया हुआ है, तो हम उस टाइम फ्रेम को एडियर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमारी अपनी गलती है। हम कई बार वेट करते रहते हैं कि एमओपी में दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट क्लियर करेगी जो भी नाम उनके पास आए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास कई बार महीनों पड़े रहते हैं। हम एमओपी से गवर्न नहीं होते हैं। अगर हम स्ट्रिक्टली एमओपी से गवर्न हो तो मुझे लगता है कि हम टाइमली अपॉइंटमेंट्स कर पाएंगे, लेकिन शायद हमारी इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए लंबे टाइम से वैकेंसीज हर हाईकोर्ट में खाली है। आज जो नंबर मैंने अभी बताया कि लॉ मिनिस्टर ने जो नंबर बताया वो बहुत बड़ा नंबर है, वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी 45% से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी है। एक और तो आपकी स्ट्रेंथ अपने आप में कम है, और जब स्ट्रेंथ कम है और उसके बाद जो स्ट्रेंथ
होनी चाहिए, वो भी अगर 45% तक वेकेंट पड़ी है, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोसीजर के अंदर हमारी विल जो है, जो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए अपॉइंटमेंट्स करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। इसके अलावा पर्सनली मैं ये मानता रहा हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम एक एक्स्ट्रा बर्डन है जुडिशरी पर, इसके अपने कई इल्स भी हैं। मेरा मानना यह था कि जिस दिन एनजीए का जजमेंट हुआ, उसके अंदर ये ओपन था गवर्नमेंट के लिए कि वो कुछ चीजों को दूर करके एक दूसरा प्रोसीजर लाए, एक सही एमओपी इंट्रोड्यूस करे, वो गवर्नमेंट ने नहीं किया। और हमारा ये भी एक वजह है कि हायर कोर्ट्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट्स में डिले हो रही है। जी सर, तो जैसा कि आपने एक और मेन रीजन बताया कि सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है, लेकिन सर बात एक ये भी होती है कि जब ऑनरेबल जुडिशरी कुछ डायरेक्शंस पास करती है, ऑर्डर पास करती है, सरकारों पर जू तक नहीं रहेंगे। अगर मैं आपका एक इंडियन एक्सप्रेस का एक इंटरव्यू आपने जो दिया था उसको, आर्टिकल को अगर मैं यहाँ पे साइट करूं, आपने जैसे कहा था कि यूपी में जंगल राज तो नहीं, लेकिन जंगल राज से कम भी नहीं है। तो ऐसा आपको लगता है कि सर बीइंग चीफ जस्टिस, जब आप डायरेक्शन पास करते हैं, स्टिल जब गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है, इस पे आपको क्या कहना है? अगर आप एक चीज का थोड़ा सा अगर कुछ फैक्ट्स अगर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि पिछले कुछ सालों के अंदर हर हाई कोर्ट के अंदर, शायद सुप्रीम कोर्ट में भी, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की तो आप बात छोड़ दीजिए, और हर स्टेट में, इट इज नॉट ओनली विद रिगार्ड टू उत्तर प्रदेश, इन एवरी स्टेट यू विल फाइंड ए ह्यूज एस्केलेशन इन फाइलिंग ऑफ कंटेम्प्ट पिटीशंस। आज कंटेम्प्ट पिटीशंस हजारों की तादाद में हर कोर्ट में पेंडिंग चल रही है। मैंने वकालत जिस वक्त शुरू की थी, उस वक्त कंटेम्प्ट पिटीशन रिट बेंच के साथ या जिस जज के ऑर्डर हुए थे उसी कोर्ट के अंदर एक छोटे से हेड के अंदर कंटेम्प्ट पिटीशंस लगती थी, 4 या 5 कंटेम्प्ट पिटीशंस होती थी। आज कंटेम्प्ट पिटीशंस के लिए अलग से बेंचेस बनती है कि ये कंटेम्प्ट का बेंच है, वहां एवरी डे 200 केसेस लगे होते हैं। ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि कंटेम्प्ट पिटीशंस का फाइल करना कि सारी गवर्नमेंट्स, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, या कहे कि इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स को कंप्लाई विद करने, उनकी कंप्लाइंस करने के अंदर कहीं कहीं डिले कर रही है, और ये कंटेम्प्ट पिटीशन की ह्यूज फाइलिंग इस बात को रिफ्लेक्ट करती है। एक चीज और भी है, 60% कंटेम्प्ट, बल्कि 80% कंटेम्प्ट पिटीशन नोटिस कंटेम्प्ट का जाता है और ऑर्डर की कंप्लाइंस होती है। जहां तक आपने एक टर्म का काम में ली, जंगल राज, तो जंगल राज का अर्थ यही है कि ये जस्ट इज कन्वर्स टू रूल ऑफ लॉ। जहां रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां जंगल राज है। मैंने सही एक इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि उत्तर प्रदेश, यू मे नॉट कॉल इट जंगल राज, बट इट इज नॉट लेस देन दैट। उसका सीधा अर्थ यह है कि रूल ऑफ लॉ अगर कभी मॉब के पास है और कभी पुलिस के पास है, तो रूल ऑफ लॉ नहीं है, और चाहे वो रूल मॉब करे, कोई गुंडा एलिमेंट करे, और पुलिस करे, अगर रूल ऑफ लॉ के बाहर कुछ भी, तो वो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वो जंगल राज या जंगल राज से मिलती जुलती चीज ही होगी। और उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि पुलिस एट्रोसिटीज कई मैटर्स के अंदर, जाने में या अनजाने में, कई और राज्यों से ज्यादा नजर आती है। इसलिए मैंने जो कहा कि ये जंगल राज या ना कहो तो उससे कम नहीं। तो सर मतलब आपकी भी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया यूपी गवर्नमेंट ने? अब ये फॉलो करने के लिए हमारे पास कंटेम्प्ट पिटीशन के अलावा और कोई औजार नहीं है। कंटेम्प्ट पिटीशन होती है, अब उनको स्ट्रिक्टली लेते हैं, ऑर्डर्स की कंप्लाइंस होती है, और ऐसा नहीं है कि कोर्ट्स हेल्पलेस या हेल्पलेस हैं। कोर्ट्स के पास अपने पूरे मींस हैं, अगर कोई कंप्लाइंस नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट उसे नहीं करा सकती। कोर्ट उसके अंदर पूरी तरह अपने ऑर्डर्स की कंप्लाइंस करा सकती है, कराती है। लेकिन सर अक्सर ऐसा देखा गया है कि विदाउट नेमिंग एनी ऑनरेबल जजेस, या जो हम मीडिया में पढ़ते हैं, कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए ऑर्डर किए जाते हैं, ऐसा कई बार एलिगेशंस भी आते हैं। और उसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा एक रीजन ये होता है कि पोस्ट रिटायरमेंट एक एक वो जो जॉब का एक कह सकते हैं, या कहीं आप आयोग का चेयरमैन बन रहे हैं, या कहीं आप ऐसी जगह अपॉइंट हो रहे हैं जो सरकार की मंशा पे चलती है। तो आपको लगता है सर कि जब आप इतनी ऑनरेबल जुडिशरी का पार्ट रहते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी आपको किसी गवर्नमेंट के आयोग का या कहाँ पे जाके चेयरमैन बनना चाहिए? अगर मैं सीधी सीधी बात कहूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब राज्यसभा से आते हैं, ये किस हद तक मॉरलिटी के कटघरे में उतरता है या नहीं उतरता है? देखिए, किसी इंडिविजुअल पे जाने की जगह मैं अपनी खुद का सोच बता देता हूं। मैं निजी रूप से इस बात का पूरी तरह से मानता हूं कि कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, जजेस को नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर सबसे बड़ा संकट यह है
कि पिछले कई सालों में ऐसे ढेरों लॉ बन गए जिनके अंदर चाहे वो ट्राइब्यूनल्स हो, चाहे कमीशंस हो, चाहे कई और ऐसी बॉडीज हो, उनके अंदर रिटायर्ड जजेस ही उनको प्रेसाइड कर सकते हैं या उसके मेंबर हो सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे लीगल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर भी कई ऐसे फोरम्स हैं, और इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, आप कई ढेरों ट्राइब्यूनल्स हैं जिनके अंदर जिनको प्रेसाइड करना या उनके मेंबर केवल रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं। इसलिए हमने ये एक बहुत बड़ी गलती कर दी है कि हमने ये विधान में ले आए हैं, हमारे कानून में ले आए हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट जजेस या रिटायर्ड जजेस इन ऑफिसेस को होल्ड करें, और सर्टेनली इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है। कम से कम जनता में ये एक मैसेज जाता है, जो आपने कहा कि आरोप होता है, तो आरोप निश्चित रूप से ये लोगों के मन में ये जाता है कि इसको पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर एक के ऊपर ये हर दिमाग पे ये प्रेशर रहता है, प्रेशर रहता हो ना रहता हो, लेकिन ये मैसेज कभी भी लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए कि ये पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पूरे फंक्शंस को ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। जहां तक आपने राज्यसभा में जाने का कहा, लोग तो मेरा मानना है कि अगर इलेक्शन कंटेस्ट करके राज्यसभा में जाया जाए या लोकसभा में जाया जाए, ये अपने अपने दम की बात है, पर मैं पर्सनली नॉमिनेशन को सही नहीं मानता। जी सर, तो अगर हम इसी को एक बात को थोड़ा सा अगर और आगे ले जाए, तो जैसे कि आपने कहा पोस्ट रिटायरमेंट जॉब का भी एक बात होती है, प्रेशर फील होता है सर कई बार कि कोई ऑर्डर देने से पहले, जजमेंट देने से पहले कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर प्रेशर बनाने की कोशिश करते होंगे ऑनरेबल जुडिशरी पर। मेरा ऐसा कतई अनुभव नहीं है, मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि प्रेशर बनाने का प्रयत्न कम से कम मेरे पे लगभग 17 साल के कार्यकाल में न मैंने ऐसा सुना या मेरे पे या किसी पे ऐसा प्रेशर लाने की कोशिश हुई हो, ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। कई बार कुछ छोटे मोटे फिलर्स आते हैं लेकिन लोगों को पता है कि ये चलता नहीं है तो वो इमीडिएटली खत्म हो जाता है, इसलिए न तो कभी दिमाग पे कोई ऐसा प्रेशर रहा है न रहता है। और मेरा ये मानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियरी को इतना इंडिपेंडेंट बनाता है कि उसके ऊपर किसी तरह के प्रेशर नॉर्मल कोर्स में काम नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सर्कमस्टेंसेस आई डोंट नो, कम से कम मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है और ना मेरे किसी भी ब्रदर जज के बारे में मेरे को कभी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली कि उन पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डाले जाए। जी सर, तो जैसा आपने बोला जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन सरकार हर बार ये आरोप लगाती आई है कि जुडिशियल ओवररीच होती है। अब मैं अगर रिसेंट अगर कंट्रोवर्सी से बात करूं तो जो हमारा यूपी में वो पोस्टर्स वाला जो जजमेंट था, इसके बाद ऐसा अक्सर कहते आए हैं कि ये जुडिशियल ओवररीच है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर या आपको लगता है कि नहीं, इट इज द बाउंडन और इट इज अ सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी ऑफ द ऑनरेबल जुडिशियरी? इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस, समटाइम्स ओवररीचिंग मे बी देयर बट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रेक्टिफाइड बाय हायर कोर्ट मींस सुप्रीम कोर्ट। नॉर्मल कोर्ट्स में कोई ओवररीच नहीं होता है, कोर्ट्स तभी उन मैटर्स में इंटरफेयर करती है जब हमें लगता है इस बात का कि कहीं कहीं कोई ऐसी इंजरी है, कहीं कहीं हमारी पर्सनल लिबर्टी पे, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, हमारे और लीगल राइट्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे कोई ऐसी इंजरी है जिसको किसी तरह से हील करना जरूरी है, जिसका कोई ना कोई उपचार करना जरूरी है, और ऐसी स्थिति में कोर्ट्स इंटरफेयर करती है। और नॉर्मल कोर्स के अंदर ओवररीचिंग हमारे यहाँ की कोर्ट्स में नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऐसा कई बार कहती है लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको ओवररीचिंग वाले केसेस नहीं के बराबर मिलेंगे, एक्सेप्शनली कोई मिलेंगे, नॉर्मल कोर्स में ऐसा नहीं होता है। चाहे वो आपने केस का उद्धरण दिया चाहे वो हो, चाहे कोरोना पीरियड के अंदर कोर्ट्स का डिफरेंट डायरेक्शंस देने हो, मेरा मानना है कि ये सारे डायरेक्शंस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज्यूरिसडिक्शन में दिए गए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज्यूरिसडिक्शन इस देश की के जुडिशियल सिस्टम में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है। हाँ, वो बहुत शार्प वेपन है, इसलिए उसको बहुत संभाल कर काम लेना जरूरी है, हर छोटी मोटी चीज में काम नहीं ले सकते, लेकिन दुनिया के अंदर इंडियन जुडिशियरी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज्यूरिसडिक्शन का बहुत पॉजिटिव यूज करके इस देश के विकास में, केवल लीगल सिस्टम के विकास में नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स के और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को बचाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। इसे हमें सेफ रखना है, सिक्योर रखना है और इसका बहुत सोच समझ करके यूज करते रहना है। सर, वैसे यू आर नोन फॉर एज अ डिफेंडर ऑफ सिविल लिबर्टीज,
मतलब ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा है कि आपने ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यू को काफी अपने जजमेंट्स में जिंदा रखा है। लेकिन सर अगर मैं रिसेंट ट्रेंड की बात करूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ऐसा मैं नहीं, ऐसा रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस ने कई जगह, चाहे वायर हो या कई जगह, ऐसा उन्होंने डिटेल में लिखा है कि दिस टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज फेल्ड इन डिस्पेंसिंग द जस्टिस। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कोविड में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो स्टेप लेने थे वो नहीं ले पाए। आपको लगता है कि एक आम आदमी का विश्वास जो जुडिशरी पर है उसमें कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है? मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ना किया इस पे कमेंट करना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोविड पीरियड में, कोरोना के पैंडेमिक पीरियड के अंदर डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने बहुत इफेक्टिवली डायरेक्शंस दिए और वो निहायत जरूरी थे, और उन डायरेक्शंस का अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स ने इम्प्लीमेंट भी किया, ये एक बहुत बड़ी बात रही। जहां तक आपका सवाल ये है कि मैं सिविल लिबर्टीज का डिफेंडर रहा या ये रहा, तो ये मैं नहीं, हिंदुस्तान का हर हाई कोर्ट जज रहा है, क्योंकि उनका अल्टीमेटली ओथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने अपना कमिटमेंट है और इसके लिए उन्हें फेयरली और फियरलेसली वर्क करना है। इसलिए ईच एंड एवरी हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज इज कमिटेड टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को डिस्चार्ज किया है। सर ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, बीइंग ऑनरेबल जज, आप राजस्थान हाई कोर्ट में रहे, आप यूपी हाई कोर्ट में रहे, ऐसा कोई अगर आपको एक्सपीरियंस आपको लगता है जिससे आम जनता को जानने में कुछ मदद मिले, इफ यू वांट टू शेयर सर? अब एक्सपीरियंस तो इतना लंबे पीरियड जज रहे तो एक्सपीरियंस कई हुए, एट रैंडमली मैं ऐसा एक्सपीरियंस कोई एक इवेंट एक इंसिडेंट बताना कोई ऐसी मेरे को एकदम वो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि हमारे बार और हमारे जजेस इन दोनों को ये जरूर सोच लेना चाहिए कि जुडिशरी एक कैरियर नहीं है, ये एक मिशन है। इसलिए हमें पूरी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हमारे लॉ के साथ कमिटेड रहते हुए काम करना होगा। और मैं जब वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ कि कमिटेड, दैट डजेंट मीन कमिटमेंट विद एनी फिलोसॉफी और एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट इज द कमिटमेंट विद योर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, योर ऑल लीगल राइट्स, ड्यूटीज। क्योंकि मेरा अनुभव ये जरूर रहा कि पिछले सालों के अंदर बार कमजोर, मैं जिस वक्त मैं बार में आया था, मुझे ध्यान है कि राजस्थान के अंदर कोर्ट फीस और स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में अमेंडमेंट करके कोर्ट फी बढ़ा दी गई थी, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, लॉयर्स ने स्ट्राइक की, गवर्नमेंट ने इमीडिएटली कोर्ट फी विड्रॉ कर ली, उसमें जो एनहांसमेंट था वो विड्रॉ कर लिया, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी रहनी थी। लॉयर्स ने अपने एजिटेशन को कंटिन्यू रखते हुए कहा कि ये स्टैम्प ड्यूटी जनता का इश्यू है, ये हमारा राइट है कि उनके इश्यूज को भी हम एजिटेट करेंगे, और अल्टीमेटली स्टैम्प ड्यूटी में जो एनहांसमेंट था वो भी विड्रॉ हुआ। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि चाहे ये एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कॉलेजियम सिस्टम का भी या अदरवाइज, या हमारा एक कैरियरिस्टिक अप्रोच हो गई है कि बार वीक है, बहुत ज्यादा साफ शब्दों में बात करूं तो साइकोफेंसी की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और बहुत बातों को साफ कहने की जगह चुप रहना हम लोग पसंद करने लगे हैं। मेरा मानना यह है कि लॉयर्स को और जजेस को इररिलेवेंट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जहां बोलना बहुत जरूरी है वहां चुप रहना कतई उचित नहीं है, और वो अल्टीमेटली हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। क्योंकि अगर बार कमजोर हुई तो इस देश के अंदर कोई और इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं बचेगा जो कि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बचा सके। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी सारी की सारी बार में ये मैसेज दें कि वो वैनगार्ड है, कस्टोडियन है डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेव करने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस 17 साल का ये जरूर है कि हमारी बार निरंतर कमजोर हो रही है, उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। जी सर, तो सर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो लास्ट क्वेश्चन है, जाने से पहले कुछ ऐसा आप संदेश देना चाहेंगे ऑनरेबल जुडिशरी के लिए या यंग एडवोकेट्स के लिए कि उन्हें कैसे इस वकालत में काम करना चाहिए, योर गोल्डन टिप्स सर? मैंने अभी जो अपने लास्ट क्वेश्चन में जो अपने अपने एक्सपीरियंस की बात पूछी उसमें कहा, मैं ये मानता हूँ कि लॉयर्स को मेनली अपने वर्क के लिए कमिटेड रहना चाहिए, उनका कैरियर और मनी ये तो ऑफशूट है, ये 100% आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अपने पूरी प्रिपेयर होकर के पूरे अच्छी तरह से अपने केसेस को करें। एक लॉयर की एक कुछ हद तक सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अल्टीमेटली वो कोर्ट के ऑफिसर्स हैं और उनको बहुत ऑब्जेक्टिवली वर्क करना होगा। जहां तक जजेस का सवाल है तो मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस
कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है उनके लिए कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हाँ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनसे मेरा यही आग्रह है कि अपनी जुडिशियल सर्विसेज को एक मिशन समझें, करियर ना समझें। उनको बहुत सारे ऑड्स हैं लेकिन वो उनका सामना करते हुए ये मान करें देश देश के लोगों का इस न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा बना रहे, क्योंकि यही एक ऐसी विंग है जिसके भरोसे आम आदमी ये मानता है कि मेरे इस देश के अंदर मेरे साथ ना इंसाफी नहीं होगी, मेरे साथ जस्टिस होगा। क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कितना भी गरीब आदमी हो, कोई भी हो, अगर वो लगता है कि सब जगह हार रहा हूं तो वो यही कहता है कि कोर्ट में तेरे से निपट लूंगा, कोर्ट में जाकर के देख लूंगा। तो कोर्ट्स का भरोसा जरा सा भी कम ना हो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना बेशकीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे दर्शकों के लिए निकाला। सर हम हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश भर के श्रोताओं तक कानून की नामचीन हस्तियों से उनकी रुखसत करवाते हैं, तो आज आपका सानिध्य और आपका मार्गदर्शन मिला, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सर।